Next para is the partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juices complete the digestion of all components of food. Carbohydrates break down into simpler sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol and proteins into अमीनो एसिड. उसके बाद जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे लोअर पार्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंच जाता है जहाँ की जो भी इंटेस्टाइनल जूस होते हैं वो सारे मिक्स होके डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं. इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर देते हैं सिंपल शुगर और ग्लूकोज में, फैट्स को ब्रेक कर देते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को ब्रेक करके अमीनो एसिड में. Absorption in the small intestine. After digestion in the small intestine, the last process which is absorption. The digested food pass into the blood vessels in the walls of the intestine and the process of is called absorption. उसके बाद जो digested food है small intestine में जो भी food digest हो चुका है वो blood vessels से होता हुआ आगे बढ़ेगा और ये process जो है कहलाता है absorption. The inner wall of the small intestine has millions of minute finger-like projections called villi. The villi increase the surface area of absorption of the digested food. In small intestine की जो inner walls होती है उसके अंदर बहुत ही finger-like structure होता है या projection होता है जिसको हम लोग villi कहते हैं. Villi की help से क्या होता है कि absorption का area बढ़ जाता है जिससे ज़्यादा absorption हो सकता है. Each villi has a network of thin and small blood vessels close to its surface. सारी ही विली के अंदर बहुत ही बारीक और छोटे छोटे स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं जो उसकी सरफेस से अटैच होते हैं. द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस ऑफ द विली कंसिस्टिंग ऑफ फूड वेसल्स कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज. डाइजेस्टेड फूड बाद में विली के सरफेस पे चला जाता है और उसके सरफेस पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. The absorbed food is used to build complex substances such as proteins required by the body and the process called assimilation. और जब ये सारा absorbed food blood vessels से होते हुए हमारी body में transfer हो जाता है और ये absorbed food किस चीज़ में help करता है, वो complex substance को बनाता है जैसे कि protein को बनाता है, और इस protein को बनाने का जो process होता है उस process को हम assimilation कहते हैं. In cell, glucose with the help of oxygen breaks down into carbon dioxide and water. And energy is released. Cells में क्या होता है, glucose with the help of oxygen. glucose जो होता है वो oxygen की help से किस में टूट जाता है, carbon dioxide में, water में, और उसके बाद उसमें से energy release होती है. Not all the food you eat is digested and absorbed. The food that remains undigested and absorbed entered into the large intestine. Small intestine में आने के बाद भी सारा खाना हमारा digest नहीं हो पाता है और जो undigested, unabsorbed food होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाती है. लार्ज इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सिमेटली 1.5 मीटर्स इन लेंथ एंड वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. इट हैज नो डाइजेस्टिव सिस्टम. इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है हमारी 1.5 मीटर्स लॉन्ग होती है और वाइडर होती है, और जबकि छोटी होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से. इसके अंदर किसी भी तरह का डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता. इसमें सिर्फ हमारे जो अनएब्जॉर्ब फूड में से जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी बचा हुआ जो रिमेनिंग फूड रहता है दैट विल पास थ्रू रेक्टम एंड स्टोर्ड इन द सेमी सॉलिड फेसेस. इट देन पासेस आउट थ्रू द एनस एंड टाइम टू टाइम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेक्शन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.